हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ आज का मौसम नहीं, दोपहर के बाद से एकदम से मौसम बदला। बहुत तेज़ हवा चली, आंधी तूफान सा हुआ और इसके बाद शुरू होगी बारिश। तो बारिश, एक ही बारिश होने से ना मौसम काफ़ी चेंज हो गया। मतलब इतनी राहत मिली कि बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ती जा रही थी और इसकी वजह से ना एकदम से बारिश हुई, काफ़ी तेज़ बारिश हुई, फिर ठंडा हो गया। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि एकदम से, लेकिन जब नेक्स्ट डे जब हुआ तो फिर से वही धूप और गर्मी। तो एक दिन की थोड़ी सी राहत मिली और उसके बाद फिर से गर्मी हो गई। तो यहाँ पर जो मैं मौसम दिखा रही थी कि चलो आपको भी अपना मौसम दिखाती हूँ, यहाँ का मौसम काफ़ी अच्छा हो गया, एकदम से चेंज हुआ मौसम। और गर्मी की वजह से इतना बुरा हाल हो रहा था ना कि कई जगहों पर तो रेड अलर्ट हो गया। दिल्ली में लो, हापुड़ में लो, कई जगह पर रेड अलर्ट होने लगा कि क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। अभी जो है दोपहर में बारिश हो रही थी और अभी जो है बारिश नहीं हो रही है, लेकिन बहुत अच्छा मौसम हो गया। मतलब इतनी भयंकर गर्मी हो रखी थी ना, तो उससे कितना अच्छा मौसम हो गया, बहुत ही ज़्यादा राहत मिल गई। थोड़ी सी बारिश हुई थी उस टाइम तो, लेकिन बारिश तो नहीं हुई ज़्यादा, लेकिन मौसम बहुत अच्छा हो गया। आंधी तूफान चल रहा है बहुत तेज ना, बहुत बढ़िया मौसम हो गया। भीषण गर्मी हो रही थी, भीषण गर्मी, मतलब देहरादून में मैंने पहली बार ऐसा सुना था, मतलब ऐसा देखा कि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा। और अभी जो है थोड़ा सा राहत मिल गई है, थोड़ा सा रिलैक्स मिल गया है गर्मी से, बहुत अच्छा लग रहा है। अब जाके मतलब काम करने का मन कर रहा है, नहीं तो गर्मी की वजह से काम करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। और अब क्या पढ़ाई चल रही है तुम्हारी? हिंदी का कर रहा हूं। और ये भाई साहब हमारे पढ़ रहे हैं, दो दिन और बाकी हैं, फिर बच्चों के भी मज़े हैं। दो दिन की छुट्टी, दो दिन के बाद फिर छुट्टी हो जाएंगी, क्योंकि आज है मंडे, मंडे है ना आज, मंडे, फिर उसके बाद ट्यूसडे और वेडनेसडे, थर्सडे से छुट्टियाँ शुरू हो जाएंगी। और अभी आज टेस्ट है हिंदी का, कल हिंदी का है, मतलब कल हिंदी का होगा, फिर उसके बाद फिर परसों साइंस का, तो साइंस का हो जाएगा, उसके बाद इसका छुट्टी हो जाएगी, मज़े हो जाएगा, मौसम बहुत अच्छा होगा, मतलब बढ़िया वाला। बंदर भी खेल रहे हैं मौसम अच्छा होने की वजह से। और अभी मॉर्निंग में मिल रही हूँ मैं, मॉर्निंग यानी कि ट्यूसडे को, आज के दिन ही, ये आज ही जाएगा ये वाला वीडियो, तो फिर आज के दिन का ही सुबह का वीडियो है। तो यहाँ पर जो है मैं सुबह ही नहा ली थी, पूजा वूजा कर ली थी, और उसके बाद जो है मैं खाने की तैयारी कर रही थी। तो खाने में आज मैं बनाऊँगी राजमा, राजमा बनाने के लिए तो मैंने सोचा चलो, चाय पी ली थी मैंने, चाय पी के फिर मैंने सोचा चलो प्याज वगैरह कट करके रख लेती हूँ ताकि फिर बनाने में कम समय लगेगा। और आज फिर से वैसा ही मौसम हो गया, तो चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, वही वाला सीन हुआ यहाँ पर। तो एक दिन तो मौसम अच्छा हुआ और दूसरे दिन फिर से वही, मॉर्निंग में इतनी तेज़ धूप निकली और फिर वही गर्म मौसम। मुझे ऐसा लगा था कि शायद रात को बारिश काफ़ी हो जाएगी तो मौसम में चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर काफ़ी लो हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ शो कर रही थी, काफ़ी दिन पहले मैंने वीडियो बनाई हुई थी तो सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूँ। तो ये जो है मैंने कुछ ऑर्डर मंगाया था, मीशो से मंगाया था, मुझे अपनी किचन को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करना था धीरे धीरे, तो इसलिए मैंने कुछ सामान मंगाया। तो ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और क्या मंगाया वो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। तो यहाँ पर जो है मैंने ये मंगाई थी, शीशी मंगाई थी ऑयल के लिए, जो कांच वाली बॉटल्स होती है ना वो मंगाई थी मैंने, और ये इसके साथ फ्री में निकली हुई थी, फ्री में नहीं थी ये नमक और मिर्च की जो वो होती है बॉटल, वो फ्री, वो साथ में खरीदी हुई थी, लेकिन उसके साथ फ्री में ये सब आया था, कोन टाइप का जो तेल भरने के लिए होता है वो, ब्रश और ऑयल के लगाने के लिए ब्रश होता है, और एक स्पैचुला और एक राधे कृष्ण का जो फ़ोटो मैं दिखा रही हूँ वो सब इसके साथ आया हुआ था। और मैंने जब ऑर्डर किया था तो ये काफ़ी नॉर्मल रेट मिल रहे थे, बट मुझे बस ये लगा था कि शायद बॉटल एक लीटर की होगी, लेकिन ये एक लीटर की नहीं है, ये आधा लीटर की बॉटल है। तो इसमें इस तरह से बॉटल्स हैं और ये इस तरह से आराम से लग जाते हैं। तो और ये मैं ओपन कर रही थी तो इसमें मैंने क्या गलती की वो मैं अभी आपको बताती हूँ। यहाँ पर जो है मैंने जैसे ये खोला ना तो मैं आपको दिखा रही थी, और दिखाते दिखाते मैंने क्या किया कि कूड़ा समझ के ना वो बॉटल ही फेंक दी, मतलब स्पीड में ऐसे फेंकी, फिर पता चला कि वो टूट गई, मुझे ऐसा लगा टूट गई, लेकिन शायद टूटी नहीं, बच गई। तो मतलब मैंने फिर मुझे लगा कि काफ़ी मजबूत और टिकाऊ है, गिरने के बाद भी टूटी नहीं है। तो यहाँ पर जो है ये नमक और उसके लिए
नमक मिर्च के लिए कर लो या कुछ भी सीजनिंग वगैरह कुछ भी डाल लो। मैंने फ़िलहाल इसमें चिली फ्लेक्स और सीजनिंग डाल रखी है क्योंकि बच्चे ज़्यादातर वो पसंद करते हैं। और ये इसके साथ फ्री में आया था, फ्री में आया था ये ब्रश है, ये ऑयल लगाने के लिए ब्रश होता है, और ये स्पैचुला। ये तो काफ़ी छोटा लग रहा था तो ये तो मैंने किचन में अभी यूज़ नहीं किए हैं, लेकिन ये यूज़ कर लिया क्योंकि ऑयल भरने के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। कम जगह घेरती है इस तरह से, और इस तरह से खुल जाती है, और सिलिकॉन का बना हुआ है तो ये आराम से बंद होकर रख जाती है, स्पेस भी कम लेती है और काम भी अच्छा कर रही है। तो अभी तक जैसे बॉटल में तेल वेल भरना होता है ना, तो मैं इसकी ही मदद से मैं तेल भर के रख लेती हूँ, और ये किचन में रखी हुई भी बहुत प्यारी लगती हैं, अच्छी सी लगती हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो मंगाते हैं। और अभी तक तो अच्छे से चल रही हैं, काफ़ी लंबा टाइम हो गया मुझे इनको यूज़ करे हुए। काफ़ी मेन कारण मेरा ये था कि मैंने इसलिए इनको मंगाया था क्योंकि जब भी मैं कढ़ाई में तेल डालती थी ना, तो बहुत ज़्यादा तेल इसे बॉटल से शीशी से इतनी बड़ी बॉटल से मैं डालती थी तो उससे तेल ज़्यादा पड़ जाता था। तो इसमें क्या है कि ये बहुत कम ऑयल कढ़ाई में डालेगा और थोड़ा जाएगा, तो जितना हमें चाहिए होगा उतना ही जाएगा, ज़्यादा नहीं जाएगा, फिर मुझे वापस करना पड़ता था, तो ऐसे होता था। तो बस इसीलिए ये मंगाई थी मैंने। और दूसरा चीज़, किचन में रखी हुई भी ये बहुत अच्छी लगती हैं, तो ये इससे इस तरह से मैंने भर लिया, मतलब अच्छी लग रही थी मुझे, इसका बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी अगर मंगाना चाहें तो मंगा सकते हैं, 200 के आसपास ये मिल जाती हैं। बस एक कमी मुझे ये लगी कि ये थोड़ी सी साइज़ में काफ़ी छोटी हैं, 1 लीटर की होती तो अच्छा रहता, बट आधा लीटर की हैं, फिर मुझे लग रहा है कि शायद 1 लीटर की ज़्यादा भारी हो जाती, आधा लीटर की इजीली उठा पा रहे हैं, मतलब जब ऑयल करते हैं तो हैवी नहीं रहती, तो ये है। तो मैंने इनमें तेल भर लिया, एक में रिफाइंड ऑयल भरा और एक में सरसों का तेल। सो गाइस, आज ज़्यादा लंबा चौड़ा ब्लॉग मैंने नहीं बनाया, थोड़ा सा ही बनाया था, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और कल इतना अच्छा मौसम हो गया था, कितनी खुशी हो रही थी मौसम को देखकर, आज उतना ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा, मतलब दुख हो रहा कि वापस वही मौसम हो गया। मतलब देहरादून की ये खासियत होती थी कि ज़्यादा गर्मी हो जाती है ना, तो फिर मौसम चेंज मतलब ठंडा हो जाता है, शाम को बारिश हो जाएगी या आंधी तूफान हो जाएगा, ऐसा हो जाता था। लेकिन अभी जो है फिर से वापस वैसा ही हो गया, कल काफ़ी अच्छा मौसम हो गया था, मतलब शाम को ऐसा लग रहा था कि रात को बारिश हो जाएगी, तो कभी खुशी कभी गम चलता रहता है। तो चलो, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन ज़रूर करिएगा प्रेस, और अगर वीडियो पसंद आई या कुछ भी अच्छा लगा तो शेयर करिएगा। अभी मैं और भी बहुत सारे वीडियोज़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जल्दी जल्दी से, तो बाय।